बवासीर यानी कि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं जब तक उनकी बीमारी ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट होता है इसलिए लोग वहां डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा कतराते हैं और खुद ही कुछ ना कुछ इलाज करते रहते हैं। इस सब गोल खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, पर उनकी पाइल्स में या बवासीर में कुछ भी आराम नहीं आता। अगर आप जानना चाहते हैं कि बवासीर क्यों होता है, किस कारण से होता है, और बवासीर का अगर आप ठीक से इलाज नहीं कराएंगे तो आपको आगे जाके सर्जरी करानी पड़ सकती है, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ बवासीर की वजह से आपको हो सकती हैं। अगर जानना चाहते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां, 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनको लेने के बाद आपके बवासीर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांकी विज। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने में मैं बताना चाहूंगा, पाइल्स या बवासीर उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो बहुत ही लेजी हैं, मतलब उनको एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये एक्सरसाइज ना करना कुछ कारण नहीं है, पर आजकल के माहौल में हमारी बॉडी ऐसी बन गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। आप सारा टाइम ऑफिस के लैपटॉप पे ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, और उसके साथ सोने पे सुहागा आप करते हैं कि आप पानी नहीं पीते हैं। अब पानी ना पीने से, पानी बेसिकली लोग इधर उधर जाके अमृत ढूंढते हैं, पर भगवान ने पानी एक अमृत की तरह ही बनाया है। अगर आप पानी रेगुलर इनटेक करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें से बवासीर भी एक ऐसी बीमारी है जो आपको नहीं होगी अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पानी पीने की वजह से आपको बवासीर होती है, ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो जो आपकी लैटरिन है या आपका जो मल है वो आपके इंटेस्टाइन्स में पड़ा रहेगा। अब शरीर को पानी की जरूरत रहती है, हमेशा रहती है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो शरीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, वो आपके मल में से पानी चूस लेगा। तो कभी भी आपने नोटिस करा होगा तो ऐसा होता है कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको बहुत ही हार्ड लैटरिन आएगी, बहुत ज्यादा हार्ड लैटरिन आएगी, और उसकी वजह से आप बहुत जोर लगाएंगे। बहुत जोर लगाने की वजह से आपकी जो नसें हैं, जो रेक्टम होता है, इसे रेक्टम कहते हैं, जहां से जिसे एनस होता है, एनस और एक होता है रेक्टम। सपोजली ये आपका मल द्वार है, ऊपर का एरिया जो मेरी उंगलियां हैं, ये वाला पार्ट, ये रेक्टम होता है और ये होता है मल द्वार, दिस इज एनस, इसे एनस कहते हैं। तो ये वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, मैं फोटो लगाता हूं, उस वाले एरिया में कुछ होती है नसें, मोटी मोटी नसें होती हैं जो आपको फीलिंग देती है कि आपको अब मल पास करने जाना है। तो होता क्या है, पाइल्स के अंदर ये वाली नसें सूज जाती हैं और सूज के आपके मल द्वार यानी कि रेक्टम से बाहर आ जाती हैं, यहां से लटक के बाहर आ जाती हैं। इसकी 4 ग्रेड देखी जाती हैं। पहली ग्रेड होती है टाइप 1 ग्रेड, टाइप 1 पाइल्स कहते हैं या टाइप 1 हेमोरॉइड्स कहते हैं इसे। वो उसके अंदर होता कुछ नहीं है, आप मल पास करेंगे आपको कुछ फील नहीं होगा, बस थोड़ी सी जलन होगी, पर लेकिन वो अंदर अंदर से होती है। टाइप 1 की फोटो मैं लगा चुका हूं, वो टाइप 1 पाइल्स होती है, टाइप 1 हेमोरॉइड्स होते हैं, अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं आते हैं, और आपको बस मल पास करते वक्त, लैटरिन जाते वक्त आपको दर्द होता है और आप बहुत जोर लगाना पड़ता है, आप बहुत जोर लगाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी टाइप 1 हेमोराइड्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर टाइप 1 का ध्यान नहीं दिया और फिर भी आप मल पास करते हुए बहुत जोर लगा रहे हैं तो आपके मल, आपका जो टाइप 1 हेमोराइड्स है वो बन जाएगा टाइप 2 हेमोराइड्स। टाइप 2 हेमोराइड्स में क्या होगा, जो आपकी नसें हैं वो घूम के बाहर तक तो आएंगी, बिल्कुल बाहर तक नहीं आएंगी, बिल्कुल मल द्वार तक पहुंच जाएंगी, पर लेकिन आप जब छुएंगे, जब आप साफ करते हैं अपने मल द्वार को, तो आपको पता चलेगा कि कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर उस समय पे भी आपने इलाज नहीं कराया या आपने ध्यान नहीं दिया, टाइप 2 हेमोरॉइड जब आपको होगा तब आपके मल द्वार पे आपको बहुत खुजली मचेगी, आप बहुत खुजली करेंगे, तो इसलिए आपको अपने नाखून हमेशा काट के रखने हैं। अगर आप नाखून नहीं काटेंगे तो होगा क्या, आपकी नाखूनों की वजह से आपके मल द्वार में स्क्रैच पड़ जाएंगे यानी कि कट पड़ जाएंगे, और उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पे हम उसे सील नहीं कर सकते। आप दिन में एक बार या दिन में 2 बार तो मल द्वार का यूज करेंगे ही, तो अगर आपको खारिश मच रही है, आपको मल द्वार के वहां पर खारिश मच रही है, तो ये हो सकता है कि आपको टाइप 2 हेमोराइड्स हैं।
इसके बावजूद भी अगर आपने टाइप 2 हेमोराइड्स का ध्यान नहीं रखा तो वो अगली स्टेज पर पहुंच जाएगा। आपको हेमोराइड्स है, आप बहुत जोर लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा बहुत आदत है, चाहे आपको लैट्रिन आई हो या ना आई हो, वो जाके बस टॉयलेट में 1-1 घंटा बैठे रहेंगे और जोर लगाते रहेंगे। वो जोर लगाने की वजह से होगा क्या कि जो आपकी ये वाली नसें हैं, ये नसें फूल जाएंगी और ये फूल के बाहर आना शुरू हो जाएंगी। तीसरा टाइप, जब टाइप 3 हेमोराइड्स आपको हो जाएगा या ग्रेड 3 हेमोराइड होगा, मैं टाइप बोल रहा हूँ नहीं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 हेमोराइड जब आपको होगा तो आपकी जो मास है, जो नसें हैं, वो मल पास करते वक्त आपके बाहर आएंगी। पर जब आप मल पास कर देंगे तो आप जब हाथ से उन्हें अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर भी चली जाएंगी, और अगले मल जब तक आप पास नहीं करेंगे, अगली लैटरिन पर जब तक आप नहीं जाएंगे, तब तक आपके वो जो पाइल्स है वो बाहर नहीं आएगी। ये भी हो गया। अब इसके बावजूद भी आपने इलाज नहीं कराया और आपने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया और फिर भी जोर लगाते जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाएंगे ग्रेड 4 पाइल्स में, ग्रेड 4 हेमोराइड्स में, जहां पे नॉर्मली डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए। पर मैं अभी आपको बताऊंगा 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जहां पे आपको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद घर पे बैठे बैठे ऐसी दवाइयां ले सकते हैं जो आपकी हेमोराइड्स की कंडीशन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। टाइप ग्रेड 4 हेमोराइड्स होते हैं जब ये सब चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये धीरे 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 करके बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को आज ग्रेड 1 हुआ और कल ग्रेड 4 हो जाएगा। ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 होगा, फिर ग्रेड 3 होगा और फिर ग्रेड 4 हेमोराइड्स होगा। इसके अंदर होगा यार क्या कि आपकी जो नसें हैं, आपकी जो हेमोराइड्स हैं, वो आपके मल द्वार के बाहर ही रहेंगी हमेशा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए उनको अंदर डालने की, आपकी नसें, मसल्स जो हैं वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं या वो हेमोराइड्स इतने बड़े हो चुके हैं, इतने भारी हो चुके हैं कि वो बाहर ही रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं। उनमें खुजली मचती है, उनमें खारिश होती है, उनमें जब आप मल पास करते हैं तो दर्द होती है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। तो मेरा एडवाइस ये है, सबसे मेन एडवाइस हेमोराइड्स में या बवासीर में या पाइल्स में, आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आपको बहुत पानी पीने की जरूरत है। इससे होगा क्या कि जो आपके इंटेस्टाइन्स में आपके जो मल रुका रहता है, उससे शरीर आपका पानी नहीं चूसेगा। मतलब आप पानी पियोगे तो उसको पानी की जरूरत नहीं है ना, तो फिर वो मल में से आपका जो है वो पानी नहीं निकालेगा, तो आपके स्टूल्स जो हैं, आपका जो मल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पाइल्स होने का सबसे प्रमुख कारण है कि आप बहुत जोर लगाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको ऐसे लगता है कि अगर सुबह मेरा पेट साफ नहीं हुआ तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, जो कि एक सही बात भी है, क्योंकि ये होता है कि आपको पेट भारी लगता रहेगा हमेशा। पर मेरा एडवाइस ये है कि जब आपको बहुत जोर से लैट्रिन जाने की फीलिंग हो तभी आप जाया करिए। आप जबरदस्ती बैठ के अखबार खोल के बैठे मत रहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप इंडियन पॉट यूज करते हैं तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे और आप बैठे रहेंगे, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप एक पोजीशन में बैठे हुए हैं और जहां पे आपका मल द्वार की पोजीशन ऐसी है कि वो खुलने के कगार पर है और वो उसी पोजीशन में, पर आपके पास लैटरिन तो है नहीं निकालने के लिए, तो वो उस कंडीशन में होगा क्या कि आप बैठ के जोर लगाते रहेंगे और आपके जो अंदर की नसें हैं वो बहुत फूल जाएंगी और आपको हेमोराइड्स हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। अगर आपको अब हो गया है हेमोराइड्स, या आपको कुछ केसेस मैंने ऐसे देखा कि खारिश मस्ती है बहुत ज्यादा, पर उनको पता नहीं होता क्योंकि अंदर होती है ना, बाहर तो आती नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, आपको नाखून काट के रखने चाहिए और आपने कोशिश करनी चाहिए कि आपको वहां पे खुजली नहीं करनी है। अब मैं बताऊंगा 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जहां पे अगर एक एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको ऐसा भी बोल दिया कि अब तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी और आपके पाइल्स में आपको मल पास करते हुए, लैटरिन जाते हुए आपको बहुत खून आ रहा है और आप डर गए हैं कि मुझे बहुत खून आता है जब भी मैं लैटरिन पास करता हूं, तो मैं 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगा जिनको एक 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 करके आप ट्राई कर सकते हैं, और एक दवाई, सिर्फ एक दवाई एक टाइम पे, अपने हिसाब से, अपने सिम्टम के हिसाब से, जो सिम्टम मैं बताऊंगा उसके हिसाब से अगर वो दवाई लेंगे
तो आपके आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी पाइल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमेशा के लिए खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन से जाके फिर से जोर लगाना शुरू कर रहे हैं। हमेशा के लिए खत्म होने का मतलब ये है कि आपने दवाई ली, आपकी कंडीशन ठीक हो गई और आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, आप जबरदस्ती लैटरिन पर नहीं बैठ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली दवाई है वो है एलोज, एलोज 30। इसे एलोज, एलोवेरा का प्लांट होता है ना, उसी से हम दवाई बनाते हैं। एक एलोज 30 करके मेडिसिन आती है। इसके अंदर होगा क्या, जो आपके टाइप ग्रेड 3 पाइल्स है या ग्रेड 4 पाइल्स है जो बाहर आ गए हैं और गुच्छे की तरह आपको फील होते हैं, साथ में आपको मल पास करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा थूप जैसा कुछ निकल रहा है, छूते पर आपके मल द्वार पे एनस पे आपको फील होगा कि कुछ चिपचिपा सा कुछ निकल रहा है बाहर, और ऐसे गुच्छे गुच्छे में आप फील कर सकते हो, बॉल बॉल सी अगर आप फील कर पा रहे हैं। और आपको एक डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तो मैं आपको दावा करता हूं आप एलोस 30 की 2 से 4 बूंदें दिन में 4 बार 10 से 15 दिन के लिए लीजिए और आपके जो थूक निकलने की टेंडेंसी है और जो बवासीर है जो बाहर आ रही है वो ठीक हो जाएगी, आपको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये दवाई को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी दवाई के बारे में बात करेंगे, एस्कुलस 30। एस्कुलस एक ऐसी दवाई है जहां पे आपके बवासीर में, आपके पाइल्स में जब वो बाहर आ जाते हैं तो एक बहुत ही चुभन महसूस होती है आपको, चुभन महसूस होती है जब आप पेट साफ करने जाते हैं, तो जब आप पहली बार में मल निकलता है आपको तो वो हार्ड होता है, बाकी का पीछे वाला जो होता है वो थोड़ा लूज होता है, और जब पहली बार निकलता है तो आपको बहुत दर्द होती है, काफी दर्द होती है और ऐसी लगती है बस दर्द हो गई, बहुत ज्यादा दर्द हो गई। तो ऐसे केस में आप लीजिए एस्कुलस 30। आपकी जो पाइल्स हैं वो ड्राई पाइल्स होंगे, सूखे हुए पाइल्स होंगे, कुछ भी ऐसा थूक जैसा नहीं निकलेगा, बाहर निकले होंगे, और उन ऐसे केसेस में आप लीजिए। अगर गीला है तो एलोस, गुच्छों जैसा है तो एलोस, और अगर सूखे हैं और चुभन सी हो रही है, बहुत ऐसे चाकू जैसा लग रहा है आपको, तो आप लीजिए एस्कुलस 30 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिनों के लिए और आपके पाइल्स की टेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। अगली मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सल्फर 30। सल्फर 30 उन केसेस में दी जाती है जहां पे आपके स्टूल में, आपके मल में कुछ ज्यादा ही बदबू आती है, आपके बदबू आ रही है, पेट की प्रॉब्लम है, आपको जलन मच रही है, खुजली मच रही है, बहुत ज्यादा खुजली मच रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही है खुजली, और खुजली कर करके आपने वहां पे छिल दिया है, तो ऐसे केस में आप लीजिए सल्फर 30। सल्फर 30 इस केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिनों के लिए और आपके जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको कोई भी किसी भी और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली दवाई जो बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जिसके मैं बहुत सारे पोस्टर्स भी देखता हूँ, खूनी बवासीर। इसे खूनी बवासीर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब आप मल पास करते हैं तो आपका बहुत सारा खून निकलता है, लाल रंग का खून निकलता है, एकदम आप फील कर सकते हैं मल पास कर रहे हैं, खून निकल रहा है, मल पास कर रहे हैं और खून निकल रहा है लैटरिन के साथ, खून 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 एवरीवेयर, हर जगह पे खून है, आपका कमोड खून से भर जाता है। ऐसा नहीं कि इतना सारा खून, अगर थोड़ा सा भी खून अगर आपके बवासीर के साथ आ रहा है, मल पास करते वक्त हो रहा है या आपके पाइल्स में से खून निकल रहा है, तो आप लीजिए हेमामेलिस 30। हेमामेलिस 30 इस केसेस में, ऐसे केसेस में जहां पे आपको खूनी बवासीर है या खूनी पाइल्स है, वो आपके केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेगी और आपके खून निकलने की टेंडेंसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, आपकी पाइल्स भी गायब हो जाएगी और आप बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। अगली मेडिसिन जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है वो है नक्स वॉमिका 30। नक्स वॉमिका 30 के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब, मतलब आप अगर आप सुबह सुबह उठ गए हैं और आपको लग रहा है कि मेरा पेट साफ हो जाना चाहिए पर हुआ नहीं, आप बहुत बार जाते हैं, 3-4-5 बार जाते हैं तब जाके आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरा पेट साफ हुआ है, ऐसे केसेस में आप लीजिए नक्स वॉमिका 30। अगर आपको फील होता है हाथ लगाने पर कि आपको आपको पाइल्स है या आपके मल द्वार में के बाहर से कुछ बाहर कुछ निकल रहा है और आपको सुबह बहुत टाइम लगता है, आपको पेट की प्रॉब्लम रहती है, आपको गैस बहुत होती है, तो ऐसे केसेस में आप लीजिए नक्स वॉमिका 30 2 से 4 बूंदे 10 से 15 दिनों के लिए लीजिए, आपकी गैस बनने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और आपके जो ये बार बार जाने की टेंडेंसी है वो भी बेटर हो जाएगी। मेजर ट्रीटमेंट हमारा हो रहा है इस समय हेमोराइड्स का, बवासीर का, नक्स वॉमिका 30 उन केसेस में आप अगर आप सुबह उठ के आपको बहुत टाइम लग रहा है पेट साफ करने में, 3-4 बार जाना पड़ता है, तो नक्स वॉमिका 30 आपके लिए बेहतरीन दवाई है जो कि आपके बवासीर को पूरी जड़ से खत्म कर देगी। आखिरी दवाई हम देंगे, स्पेसिफिकली हम उन फीमेल्स को देंगे जो प्रेगनेंसी के बाद उनको बवासीर हो गई है और उनको
मल पास करने के बाद भी ऐसा लगता रहता है कि कुछ अभी पेट खाली नहीं हुआ और कुछ तो बाहर आ जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा फीलिंग है, पर लेकिन जब वो जाके टॉयलेट सीट पर बैठती हैं तो कुछ नहीं आता है, बस एक फीलिंग है जो बाहर बाहर निकल जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा या और बस फीलिंग होती रहती है। आप मतलब उनको उनको हो सकता है क्रॉस लेग भी बैठना पड़े, मतलब पैर मोड़ के पैर ऐसे करके कि कुछ बाहर ना आ जाए। ऐसे केसेस में आप लीजिए CPR 30, 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिनों के लिए, और आप देखिएगा कि आपकी ये वाली टेंडेंसी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर ये सब दवाइयां लेने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं आता तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, मुझसे फ्री में होम्योपैथिक कंसल्टेशन लीजिए और मैं आपको आपके हिसाब की दवाई, जैसे आपके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से जो होम्योपैथी में केस टेकिंग ली जाती है वैसी आपको मैं दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि होम्योपैथी से आप बेहतर हों और आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने बवासीर के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट अगली कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए कि हमने होम्योपैथी के बारे में एक नई वीडियो डाली है। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी बीमारी के बारे में जानना जिसको मैं कवर करूं वो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं मुफ्त में आपको ऐसी कुछ होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगा उस कंडीशन के रिलेटेड। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो पर।